हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द केमिकल टेस्ट फॉर डिजिटलिस डिजिटलिस की जिसको हम कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो ड्रग है डिजिटलिस तो उसकी जो केमिकल टेस्ट होती है कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है कि डिजिटेलिस के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं अलग अलग तो उसमें से फर्स्ट टेस्ट दैट इज किलर किलानिय टेस्ट सेकेंड दैट इज बालजेट टेस्ट थर्ड दैट इज लीगल टेस्ट एंड नंबर फोर्थ दैट इज कैडेस टेस्ट तो दिस और फॉर टेस्ट आर वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी फॉर द एग्जामिनेसन काफ़ी आईएमपी टॉपिक है ये तो इसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फार्मर ऑर्ग्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑर्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल ऑल्सो यूज करिए आप फार्मरॉक्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारॉक्स कैक अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स आर अवेलेबल इन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मारॉक्स तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है डिजिटल का प्लांट की डिजिटालिस की जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट है उसका बायोलॉजिकल सोर्स हम देखें तो डिजिटालिस कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीव्स ऑफ डिजिटलिस पोरपुरिया बिलोंगिंग टू द फैमिली स्क्रोफुलरिया तो ये बेसिक आपको हमेशा याद रखना होता है किसी भी ड्रग के बारे में भी जब आपको केमिकल टेस्ट तो याद रखनी है साथ में उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है केमिकल कंस्टिट्यूंट्स क्या होते तो ये लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है कि डिटेल में डिजिटल इसके जियोग्राफिकल सोर्स हम कहे टी एस हम कहे मेडिसिनल यूजिस और केमिकल कंस्टिट्यूंट बायोलॉजिकल सोर्स सिनोनिम्स तो ये लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑन अ केमिकल टेस्ट तो डिजिटल ग्लाइकोसाइड हैविंग ए फाइव मेंबर लैक्टॉन रिंग तो लेक्टॉन रिंग कौन सी तो यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर कि जो है डिजिटॉक्सीजन इनका कि वन ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूंट ऑफ ए डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड है तो यहाँ पे आप देखिए फाइव मेंबर रिंग है कि नंबर वन यहाँ पे मैं लिखू तो टू थ्री फोर एंड फाइव तो ये फाइव मेंबर रिंग है कि जिसको कहते हैं हम लेक्टॉन रिंग दिस इज ए लेक्टॉन रिंग तो ये लैक्टॉन रिंग कंटेनिंग जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं दे गिव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द फॉलोइंग टेस्ट विच आर ड्यू टू द इंटैक्ट की जैसे कि बालजेट टेस्ट है लीगल्स टेस्ट है एंड किलर किलियानिस टेस्ट तो जो केमिकल कॉन्स्टिटेंट और उसमें भी चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट देखे तो डिजिटॉक्सिन है एंड डिजीटॉक्सीजेनिन फिर जीटोक्सिन भी है जिटोक्सीजनिन वगैरह अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से जितने में भी ये इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है डिजिटॉक्सिन के अंदर तो हियर इज ऑल्सो ए दैट इलेक्ट्रॉन रिंग तो सीखते हैं केमिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में तो टेस्ट को डिटेल में सीखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट समझिए क्या है कि सबसे पहले जो कि जो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को क्या करना होता है आइसोलेट तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जितने भी हैं उनको आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले बॉइल वन ग्राम ऑफ ड्रग डिजिटलिस जो है उसको आपको लेना है वन ग्राम जितना तो उसको बॉईल करना है विथ 70 परसेंट अल्कोहॉल फॉर टू टू थ्री मिनट्स कि आप सैंपल लेते हो और उसके अंदर 70 परसेंट अल्कोहल के अंदर टू टू थ्री मिनट के लिए उसको बॉईल करते हैं फिर ये जो है बॉईल करने के बाद के समझो कि आपके पास ये थी ड्रग प्लस अल्कोहल तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है उसको बॉईल किया आपने टू टू थ्री मिनट के लिए और यह मिक्सचर जो आपको मिलता है उसको करना है अब फिल्ट्रेट उसको क्या कर लेना है फिल्टर करना है सिंपली ये समझिए इसको आपको आगे फिल्टर करना है या फर्स्ट ड्रग प्लस अल्कोहल आगे करना है फिल्टर तो आपने फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद जो आपको मिलेगे फिल्टरेट तो ये फिल्टरेट के अंदर आपको ऐड करना है टेन एम एल ऑफ वाटर तो ये फिल्टरेट में ऐड कर दूंगा मैं टेन एम एल जितना वाटर प्लस पॉइंट फाइव एम एल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीड एसिटेट सॉल्यूशन प्लस पॉइंट फाइव एम एल लेड एसीटेट सॉल्यूशन फिर क्या करते हैं देखिए यह वाला जो कम मिक्सचर जो है इतना कंपोजिशन फिल्ट्रेट उसके अंदर रहा टेन एम एल वाटर प्लस पॉइंट फाइव एम एल लेड एसीटेट इसको करना है आपको अच्छे से सेक करना है विथ क्लोरोफॉम कि सेक तो करेंगे बट जरूरी है एक और इसके अंदर ऐड कर देना क्लोरोफॉर्म और ये क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड गर्म करने के सॉरी सेक करने के बाद दो लेयर्स जो सेपरेट होंगे कि क्लोरोफॉर्म का लेयर और एक वाटर का लेयर बिकॉज क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक लेयर है एंड वाटर जो रहेगा वो आपका रहेगा एक्वियस लेयर तो समझो कि आप सेपरेटिंग फनल भी यूज करोगे तो भी दोनों लेयर्स को आप इजीली सेपरेट कर पाओगे तो क्लोरोफॉम लेयर इज सेपरेटेड एंड इवापोरेट जेंटली इन पॉर्सेलिन डिस अब ये क्लोरोफॉम का जो ऑर्गेनिक लेयर है उसको आपको ये पॉर्सेलिन डिस के अंदर आ, रखना है कि जिससे कारण क्या होगा क्लोरोफॉम जो है वो हो जाएगा इवापोरेट और यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेंगे ड्रग के रेसिड्यू कि जो भी आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपके जो एक्सट्रैक्ट हुए होंगे आइसोलेट हुए होंगे उसका जो रेसिड्यू आपको यहां पे मिल गया तो फिर से समझिए आपने क्या किया यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप था कि आपने ड्रग ली वन ग्राम जितनी और बॉईल किया सेवेंटी परसेंट अल्कोहल के साथ टू टू थ्री मिनट्स यहाँ पे जैसे ड्रग प्लस अल्कोहल बॉईल किया टू टू थ्री मिनट्स उसको फिल्टर किया और उसी फिल्ट्रेट के अंदर दस एम जितना आपने ऐड कर दिया वाटर फिर पॉइंट फाइव एम एल एसिटेट और फिर क्लोरोफॉम भी आपने ऐड किया और अब आप उसको सेपरेटिंग फनल में लेकर अच्छे सेक कर लेते हैं और दो लेयर आपको मिलेंगे एक एक्वियास और एक ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट करो कि जो है क्लोरोफॉर्म का लेयर एंड उसको इवापोरेट ना देना है पॉर्सिल डिस्क के अंदर इस तरह से और यहाँ पे आपको ड्रग के मिलेंगे रेसिड्यू सो ये रेसिड्यू को अच्छे से कूल करिए और यही आपको आगे यूज करने हैं टू परफॉर्म दिस किलर लिए यानी टेस्ट सो so, यहां पे समझिए द आइसोलेटेड ग्लाइकोसाइड के जो आपके रेसिड्यू थे वो उसको डिजोल्व करने हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर एंड अ ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड फॉलो बाय द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच फॉर्म द लोअर लेयर तो यहां पे देखिए ड्रग थी आपके आपने जो आइसोलेट की उसको करनी है डिजोल्व किसके अंदर तो ग्लेसियल एसेटिक एसिड के अंदर इसके अंदर आपने आपके ड्रग को कर ली है अच्छे से डिजोल्व प्लस उसके अंदर ऐड करिए आप ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड क्लोराइड आपने ऐड कर लिया और फिर ऐड करिए उसी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड तो एच टू एस और जो है वो बनाएगा लोअर लेयर कि ये जो नीचे का ये लोअर लेयर जो आप देख रहे हैं वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड का तो रेडिस ब्राउन कलर इज सीन इन बिटवीन टू लिक्विड्स एंड द अपर लेयर बिकम्स ब्लू इज ग्रीन तो यहां पर देखिये दो ऊपर का जो लेयर था ये कि स्टार्टिंग में ये था स्टार्टिंग में ये कंडीशन थी बट उसके बाद ये नीचे वाली टेस्ट ट्यूब आप देखिए दिस इज इनिशियली इनिशियल और ये वाला टेस्ट ट्यूब फाइनल तो यहाँ पे देखिए दो लेयर से एक एच टू एस का लेयर और एक ऊपर का लेयर तो जो नीचे वाला जो लेयर है वो काफी डार्क हुआ है और ये दोनों की बाउंड्री आप देखिए कि ये लोअर लेयर ये अपर लेयर और ये जो है सेंटर पॉइंट कि जिसको हम कहे उसकी बाउंड्री बिटवीन टू लिक्विड्स तो वो कौन सी बनी है रेडिस ब्राउन कलर की तो ये जो बाउंड्री पे आप कलर देख रहे हैं वो है रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन कलर एंड द अपर लेयर बिकम ब्लू ग्रीन तो अपर लेयर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत आपको ब्लूज जैसा कलर एज वेल एज थोड़ा ग्रीन दोनों का जैसा कॉम्बिनेशन जैसा कलर हो वैसा ऊपर की ओर फॉर्म होता है तो ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव टेस्ट ऑफ किलर यानी टेस्ट सेकंड सीखे बालजेट टेस्ट के बारे में तो बालजेट टेस्ट की दो टेक्निक है टेक्निक वन के अंदर देखिए आप तो जो ग्लाइकोसिडल एक्सट्रैक्ट की जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट था किलर किलानी टेस्ट से जो हमने एक्सट्रैक्ट डेवलप किया सेम स्टेप यहां पे कर सकते हैं आप ग्लाइकोसीडल एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए और उसके अंदर ऐड करना है सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन तो ये करने से जब आपको येलो टू ऑरेंज कलर मिलता है तो पॉजिटिव टेस्ट यहां पे देखिए ये जो कलर फॉर्म हो रहा है दैट इज येलो टू ऑरेंज कलर कि पहले येलो था बट ऊपर की ओर और अब ऑरेंज कलर फॉर्म हो रहा है दैट इज पॉजिटिव टेस्ट सेकंड मेथड ये है कि आप थीक सेक्शन लीजिए ऑफ द लीफ, डायरेक्टली लीफ का ही ऐसा सेक्शन लीजिए एंड सोडियम पिक्रेट रिएजेंट इज एडेड अब वही लीफ के सेक्शन के अंदर आप ऐड कर दीजिए सोडियम पिक्रेट रिएजेंट अगर आपको डायरेक्टली येलो टू ऑरेंज कलर देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ अ ग्लाइकोसाइड तो ये बना आपके लिए मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट कि बालजेट टेस्ट के अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है तो दैट इज़ ऑरेंज कलर कौन सा रिएजेंट यूज होता है तो दैट इज सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि बालजेट टेस्ट में आपकी चाहे मेथड वन यूज करें सोडियम पिक्रेट तो यूज़ करना ही आपको सोडियम पिक्रेट दैट इज़ मेन रियजेंट इन बालजे टेस्ट और चाहे मेथड वन से करे काम या फिर मैथड टू से दोनों के अंदर आपको लास्ट में मिलता है ये ऑरेंज कलर येलो टू ऑरेंज कलर जो फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो हमेशा इंडिकेट करता है पॉजिटिव टेस्ट थर्ड टेस्ट है हमारी वो है लीगल्स टेस्ट तो यहां पर जो एक्सट्रैक्ट है उसको डिजोल्व करना है पीरिडिन के अंदर प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन और ये सोल्यूशन एड है करते हैं टू मेक आल्लाइन टू मेक इट आल्लाइन और कलर चेज हमें मिलता है पिंक टू रेड पिंक टू रेड तो वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव टेस्ट पिंक टू रेड कलर दैट मींस पॉजिटिव टेस्ट एंड एनी अदर कलर दैट मीन्स अ नेगेटिव टेस्ट अगर आपको पिंक से रेडिस कलर समझो के मिलता है लाइक दिस तो दैट मीन्स द पॉजिटिव टेस्ट तो यहाँ पे क्या है एक्सट्रैक्ट लेते हैं हम और ये एक्सट्रैक्ट के अंदर मिक्स होता है पीरिडिन प्लस इसको अल्कलाइन करने के लिए यह जो कंपोनेंट है उसको आल्कलाइन करने के लिए हम उसके अंदर मिक्स करते हैं सोडियम प्रोसाइड तो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का रोल क्या है इन लीगल टेस्ट तो इट इज एडेड टू मेक द सोल्यूशन आल्लाइन ये जो सोल्यूशन या फिर जो रिएजेंट मिक्सचर बनता है विथ द सपल तो उसको आलक्लाइन करने के लिए टू मेक आल्लाइन तो हम एड करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और कलर मिलता है हमें पिंक टू रेड दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट और कोई दूसरा कलर मिलता है तो नेगेटिव टेस्ट समझो कि ऐसा डार्क कलर आपको मिलता है तो वो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है कैडिस टेस्ट को समझिए कि ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्ट है आपके पास प्लस टू परसेंट थ्री फाइव डायनाइट्रो बेंजोइक एसिड इन मिथेनॉल थ्री फाइव डायनाइट्रो बेंजोइक एसिड इन मिथेनॉल प्लस के ओ एच तो ये पूरा जो कंपोजिशन तैयार होगा तो ब्लू और वायोलेट कलर दैट फेड्स आउट इंडिकेट कार्डेनोलाइड मीन्स अग्लाइकोन्स आर प्रेजेंट इन ए कार्डियोग्लाइकोसाइड कि कार्डियोग्लाइकोसाइड या फिर डिजिटेलिस के अंदर समझो कि कार्डेनोलाइड प्रेजेंट होगा तो वो समझो कि आपको इंडिकेट करना है तो ये टेस्ट परफॉर्म करनी होगी और अगर आपको ब्लू और वायोलेट कलर फेड आउट होता है तो वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टेस्ट सो दीज आर द मेन केमिकल टेस्ट ऑफ ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सो ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन या फार्मर बुक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करिए ऐप को कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे व्हाट्सएप करिए